और बिलासपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि बिल को लेकर भाजपा नेताओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गरीब और किसान विरोधी बताया, वे किसानों को बोनस देने के खिलाफ आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि सरकार 19 लाख किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए बोनस दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 98% गरीब को राशन कार्ड आधार कार्ड से जोड़कर 35 किलो चावल दे रही है। मरवाही को लेकर सीएम ने कहा कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ है। जो अधिनियम में संशोधन किए हैं उसमें एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है और दूसरा मंडी के साथ है। इस दोनों से होगा ये लोग मंडी समाप्त होने पर उसे रेट नहीं मिलेगा और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने के बाद किसान अपने खेत को मजदूर। इसके जो मूल जो आधार है वो शांता कुमार की रिपोर्ट और रिपोर्ट ये कहता है कि आपको बोनस नहीं देना है, जो राज्य बोनस देगा उसका अनाज आप नहीं खरीदेंगे और इसको एनडीए सरकार ने पहले ही लागू कर दिया। 2014 में छत्तीसगढ़ ने बोनस दिया तो धान खरीदने की मना कर दिया और इसी कारण से पिछले साल 2500 रुपये दे थे और इस साल हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू हमको करनी पड़ी।